अंकल अंकल बुला लो केतन को। यस 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 चलो 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 चलो। कहाँ है केतन का? अरे ओ ओ केतन महाराज आइए आइए जल्दी आइए। अरे आपके लिए कुछ सरप्राइज आई है। यहाँ डर मत, कुछ भी नहीं है। 3 2 1 टन टन जल्दी आ जाओ। आपका सबसे नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू भारत, दिस इज विशाल द वे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बर्थडे बॉय से मिलने के लिए। जी हाँ, जिग्नेश भाई का जो छोटा भाई है केतन, उसका बर्थडे है और उससे मिलने के लिए अभी हम लोग जिग्नेश भाई के गांव में जा रहे हैं। ये जो है नर्मदा केनाल है, जिसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को पिछले व्लॉग्स में बताया हुआ है, क्योंकि माँ नर्मदा है ना, बॉस दिखाना तो बनता है ना, बॉस नहीं दिखाएंगे तो कैसे चलेगा ना बॉस। सुमित भाई वहाँ से हाय कर दो। हाय हाय हाय। और द जेंटलमैन राइडर भी एकदम मस्त ऊपर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर बैठ के सब चिल कर रहे हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। देखिए तो अभी यहाँ पर दो राइडर्स हैं, तो मैं एक एक करके इन दोनों से पूछना चाहूंगा। सबसे पहले जिग्नेश भाई, राइडर क्या होता है और लोगों को क्यों बनना चाहिए राइडर? जब अपन लोग रोड पे निकलते हैं ना, सबसे पहली चीज आती है सेफ्टी। ओके। और राइडर्स जो होते हैं, राइडर्स वो लोग होते हैं जो सेफ्टी से चलते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि आप भी सेफ्टी से चलो। एब्सोल्युटली। एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा जो हार्म होता है सर पे होता है, हाँ, वो बचाता है सिर्फ यही हेलमेट बचाता है, ठीक है। और बाकी जो राइडिंग गियर्स होते हैं वो पूरी बॉडी का सिक्योरिटी। नॉर्मल बाइकर्स को राइडर्स क्या सिखाते हैं? नॉर्मल बाइकर्स को ये सिखाते हैं, जैसे अभी हमारे ग्रुप में ही दो बंदे हैं, कल्पेश और जयदीप, वो उनको सिर्फ बाइक राइड करना अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन वो सेफ्टी के बारे में नहीं जानते। Okay. तो उनको सेफ्टी के बारे में हम लोग अभी सिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा प्राउड कि हाँ, मतलब उसी में ये उठा के ला रहा हूँ बंदे को अभी अपने साथ में। क्या बात है, द जेंटलमैन राइडर। सुमित भाई, आप भी एक राइडर हो, तो एक राइडर होने के नाते आप भी बताइए कि एक राइडर क्या होता है और लोगों को क्यों बनना चाहिए। राइडिंग का मतलब क्या है कि भाई आप चीजों को एक्सप्लोर करो, अपनी पसंदीदा बाइक अपनी जान को लेकर भाई चिल करो। सही बात है, रिस्क करना नहीं है भाई। आप जब बाइक लेकर निकलते हो ना, तो बाइक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेफ्टी रखनी है हर एक बाइकर को। जो भी बाइक चलाता है, जो राइडर नहीं है सिर्फ नॉर्मल बाइकर है, उसको भी ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। और कहीं कहीं पर ऐसे बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं कि इस स्पीड में ही चाहिए, तो वहाँ पर उस स्पीड में चलाना। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लोगों को सीख मिली होगी जितने भी। हाँ, ये तो द जेंटलमैन राइडर तो है ही, वैसे भी एजुकेट करने के लिए। बाकी राइडिंग से संबंधित सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, द जेंटलमैन राइडर, डिस्क्रिप्शन पे है लिंक। ओके, डब्ल्यू ही चल रहा है इधर, ठीक है। तो अभी अपन माँ नर्मदा के गोद में हैं और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे जिग्नेश भाई के गांव के लिए। ओके, काम करो, एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोधरा में, गोधरा से गोधरा तक पहुंच गए। अभी यहां से क्या होगा, सुमित भाई अपने रास्ते निकल जाएंगे अपने घर की तरफ और अपन निकल जाएंगे जिग्नेश भाई के गांव की तरफ। ओके, फिलहाल तो यहां पर हम लोग रुक गए हैं कुछ नाश्ता पानी वगैरह करने के लिए, क्योंकि जब वहां से आए ना, तो वहां से सिर्फ आंटी जी के घर पे हमने चाय पी थी, तो अभी कुछ ना कुछ पेट में जाने को मांगता है ना बॉस, वरना कैसे चलेगा। तो अभी आप लोग कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, तो यहां पर रुक गए हैं, चाय नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे। पहुंच चुके हैं जिग्नेश भाई के घर पे और ये आंटी जी के हाथ की चाय मुझे काफी अच्छी लगती है। जिग्नेश की मॉम जो चाय बनाती है ना, आय हाय मजा आ जाता है इस चाय को पी के। देखो मीठी चाय अच्छी लगती है और ये मीठी ही चाय। ये देखो द जेंटलमैन राइडर भी यहाँ पर, क्या किस काम से जा रहा है बे, क्या हो गया? देखो देखो देखो, इसका पालतू आ गया, पालतू पालतू बेटा आ गया इसका, ये देख रहे हो, ये देखो आ गया। ओके, और अपन पियेंगे चाय अभी हम लोग। मेरा बाल पीछे करियो। ओह नो, हम लोग कुछ लेके आए हैं केतन के लिए, ठीक है।
लेकिन अभी तक उसको बताया नहीं गया है। उसको पता भी नहीं है कि हम लोग क्या लेके आए हैं, सिर्फ आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा है। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो, आज शाम को होने वाला है सेलिब्रेशन। देखिए तो अभी लगभग शाम के 7:30 बज चुके हैं और ये हमने यहाँ पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है। ये देखो यहाँ पर बर्थडे बॉय बैठेगा, यहाँ पर रखा जाएगा केक, एंड ये देखो ये सबके बैठने की जगह है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। हम लोग वेट कर रहे हैं जिग्नेश भाई के आने का। जिग्नेश भाई जैसे ही आते हैं वैसे ही हम यहाँ पर खितन भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। देखिए तो यहाँ पर तैयारियां हो चुकी है बर्थडे सेलिब्रेशन की। और ये जिग्नेश क्या करूँ, चेतन को बुला लूँ? बुला लूँ अभी? चल 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 ठीक है, मैं जल्दी से बुलाने के लिए जाता हूँ। बुला लूँ ना? ओके चलो आंटी बुला लूँ, अंकल अंकल बुला लूँ केतन को? यस यस यस, चलो 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 चलो। इधर केतन बैठा हुआ है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। कहाँ है केतन? का इधर बैठा। अरे ओ ओ केतन महाराज, आइए जल्दी आइए आइए। अरे आपके लिए कुछ सरप्राइज, आइए जल्दी। सब लोग आओ जल्दी। अरे यहाँ डर मत, कुछ भी नहीं है। इधर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। ओके 3 2 1 टन टन, जल्दी आ जाओ। आपका सबसे हैप्पी बर्थडे टू यू केतन, हैप्पी बर्थडे ब्रदर। तो ये है केतन भाई के लिए सेलिब्रेशन। अंकल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत इंतजार के बाद केतन पहुंचा है इधर। क्या बात है, हम लोग कब से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे केतन का। तो फाइनली केतन भाई यहाँ पर आ चुके हैं। केतन भाई, ओ भाई कैसा लग रहा है ये सब देख के? ये क्या बात है, फीलिंग्स जो है वो व्यक्त नहीं की जा सकती है इनके द्वारा। ये देखो हृदय में दर्द भरा हुआ है लेकिन खुल के नहीं आ सकता है। इतनी कमाल की प्रेपरेशन इन्होंने की है। चलो चलो, हाँ आइए पधारिए केतन भाई जी, स्वागत है। ओ आइए पधारिए केतन कुमार जी, आइए पधारिए केतन कुमार जी। क्या बात है, देखो 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 यहाँ पर देखो, क्या बात है क्या बात है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर केतन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर केतन, हैप्पी बर्थडे टू यू। आजा आजा अंकल, आपका वेट किया जा रहा है यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर केतनिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। जाओ जाओ सोंगरू बदला ले लो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, केक खाने का अवसर मिल रहा है। अभी विशाल की बारी, विशाल की बारी, विशाल मेरी बारी, मेरी बारी। इसको बड़ा पीस दो, इसको बड़ा पीस दो। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कल ही आंटी के घर पे खा रहा हूं। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं बेटा। बड़ा ही काटेगा, पिछला वीडियो जैसा। हाँ, काटो सबके सब मिलके। सभी काटो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। क्या बोलो, बार हो गया भाई, वही गिफ्ट की बारी। मेरे तरफ से इधर आ जाओ। 2 मिनट खुश रहे, आबाद रहे, सदा स्वागत रहे। ये छोटा सा गिफ्ट है जी अंकल, बेटे को दे रहा हूँ। क्या बात है, अंकल की तरफ से गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे केतन, हैप्पी बर्थडे। ये देखो ये है गिफ्ट, पहला जो गिफ्ट है वो मेरे तरफ से है, जो मैं अभी देने वाला हूँ। ओके केतन को, केतन क्या होगा, देख लिया सा मत बोला, देख लिया होगा, देखा नहीं ना, बोला क्या होगा, क्या पता। ये तो यार मेरे को, यार गैस कर दे तो मेरे को धमकी दे। चलो कोई बात नहीं, तो ये लीजिए केतन भाई आपके लिए ये महंगी वाली शर्ट डाल लिया, बहुत बढ़िया। ये शूज है, दो लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, 3,000 के शूज है। क्या बात है, हाँ ये लोग बहुत बढ़िया। खुश लग रहा हूँ पता नहीं क्यों। तो ये देखिए ये मेरे तरफ से गिफ्ट, एंड ये जिग्नेश भाई के तरफ से। अभी केतन भाई को मैं कुछ दो शब्द कहने के लिए कहूंगा। केतन भाई दो शब्द, नहीं रो मत Awkward silence. आप लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। थैंक यू बहुत बढ़िया।
भाई का क्या बोलता है। चलिए केतन भाई का बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, आरती भी हो चुकी है, गिफ्ट वितरण भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर देखो इतने सारे लोग यहाँ पर उपस्थित है। अंकल आंटी को देख के तो दिल ताजा हो गया भाई साहब।